फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो फिर आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपनी पर्सनल डिटेल हाइड करके रखना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि फेसबुक में अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ को कैसे हाइड करते हैं, तो फिर आज के इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि फेसबुक में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी को कैसे हाइड करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को। फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो फेसबुक में अपनी पर्सनल डिटेल को हाइड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा फिर से सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी चेकअप का। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा हु कैन सी व्हाट यू शेयर। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपने फेसबुक ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, देन आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर से आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं ऐड किया हूँ फेसबुक में, इसलिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है। अगर आप अपने फेसबुक में अपना मोबाइल नंबर डाले होंगे तो यहाँ पे फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ से चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी हाइड करके आपको बता रहा हूँ। ईमेल आईडी हाइड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पब्लिक पे। जैसे ये अभी पब्लिक है तो फिर आपकी ईमेल आईडी फेसबुक पे जो भी लोग हैं वो देख सकते हैं। इसे हाइड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर पब्लिक पे क्लिक रहता है तो यहाँ से आपकी ईमेल आईडी जो भी फेसबुक पे लोग हैं वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स पे अगर आप टिक कीजिएगा तो सिर्फ आपकी फेसबुक की फ्रेंड्स ही आपकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओनली मी का। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपकी ईमेल आईडी सभी लोगों से हाइड हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति आपकी ईमेल आईडी यहाँ से नहीं देख सकता है, बिल्कुल हाइड हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह से यहाँ से अगर आप अपनी बर्थडे छुपाना चाहे तो यहाँ पे आप क्लिक करके और इसी तरह से पब्लिक, फ्रेंड या फिर ओनली मी का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सिटी, इंटरेस्टेड, एजुकेशन, ये सभी चाहें तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फेसबुक में ये सेटिंग नहीं मिल रहा है तो फिर आप आ जाइएगा यहाँ से बैक, और आप स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप क्लिक करके इन सभी सेटिंग को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ से आप अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसमें चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं।